नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इनपुट आउटपुट, या आप इसे मशीन के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर में बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इसको हिंदी में बना दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में तो बहुत सारे, इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इसको कम समझ पाते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक इस तरीके से इसको समझाएंगे कि आज के बाद इनपुट और आउटपुट का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो एकदम देसी तरीके से समझिएगा दोस्तों, तभी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों आइए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, आप वीडियो 2-3 मिनट देखते हैं, इसके बाद कमेंट्स कर देते हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आइए आज हम आपको सिखा देते हैं इनपुट और आउटपुट या मशीन सिस्टम, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट ये रीजनिंग का पार्ट है। ये बैंक पीओ, एसएससी और जो है सीजीएल एंड यूपीएसआई जैसे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिए। दोस्तों इनपुट आउटपुट और मशीन में पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। लोग डायरेक्ट आपको सीधा बताने लगते हैं जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है और ये चैप्टर वो छोड़ देते हैं। दोस्तों ये चैप्टर हम उससे सीख लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैं जरूर दिला के रहूंगा। देखिए कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की कुछ थ्योरी बताता हूं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किसी अंक, संख्या, अल्फाबेट या वर्ड्स आदि को एक मशीन में इनपुट करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम अपना नाम लिखते हैं इंजीनियर मंजीत सिंह, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, जो हमने अपने अल्फाबेट लिखा वो उसे कन्वर्ट करता है। जो कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर होता है, जो कन्वर्ट करता है वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही मशीन क्या करती है, मशीन को मशीन में इनपुट करते हैं तो वह मशीन इनपुट को, जो हमने इनपुट डाला वो मशीन इनपुट को किसी विशेष नियम के द्वारा अरेंज कर देती है। विशेष नियम, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी विशेष नियम के द्वारा उसको क्या कर देती है, अरेंज कर देती है। विशेष नियम का मतलब है जिस तरीके से आप लगा बताएंगे उस हिसाब से वो अरेंज कर देगी। अब आइए दूसरा स्टेशन लीजिए। अरेंज की गई अंक, वर्णमाला, अल्फाबेट, संख्या आदि में सबसे पहले इनपुट और स्टेप वन, सबसे पहले जो अरेंज करके हमको बाहर दे गई मशीन, अरेंज करके बाहर निकालेगी मशीन, उसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, इनपुट और स्टेप वन देखना है तथा स्टेप लास्ट, स्टेप फर्स्ट और स्टेप लास्ट देखना है। बीच के अगर आप नहीं भी देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लास्ट स्टेप होता है वही दोस्तों मशीन का हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। जो लास्ट स्टेप होता है वही मशीन का आउटपुट होता है। अब आगे को देखते हैं कि किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। जो मशीन ने हमें आउटपुट दिया उसका पहला और अंतिम स्टेप देखेंगे और ये देखेंगे कि मशीन ने इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट किया, इंक्रीजिंग अरेंजमेंट किया या डिक्रीजिंग अरेंजमेंट किया या शिफ्टिंग राइट एंड लेफ्ट, या शिफ्टिंग किया है, एक के प्लेस पे एक को रखा है, ये हमको स्टेप देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्टेप्स को देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या अरेंजमेंट हुआ है, इंक्रीजिंग अरेंजमेंट हुआ है, डिक्रीजिंग अरेंजमेंट हुआ है, अल्फाबेटिकल चले हैं, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हुआ है या नंबर बेस अरेंजमेंट हुआ है, वो आपको स्टेप्स में ही देखते पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एक शिफ्टिंग कॉमा 2 शिफ्टिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों एक शिफ्टिंग क्या होता है, जिसमें केवल अंक होंगे और केवल अल्फाबेट होंगे, या दूसरे शिफ्टिंग में क्या होगा, 2 शिफ्टिंग में जिसमें
नंबर और अल्फाबेट दोनों होंगे और इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे होंगे, इसे बोलते हैं दो शिफ्टिंग। और जिसमें एक ही चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो नंबर हो शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं वन शिफ्टिंग के प्रश्न को आपको मिलने वाले हैं। तीसरा, हम मशीन को रिवर्स में नहीं चला सकते। हम मशीन को रिवर्स में नहीं चलाने का मतलब है कि दोस्तों आपसे बोल दिया कि आपको पांचवा स्टेप दिया गया है और दूसरा स्टेप बताइए, तो आप पीछे की तरफ मशीन को नहीं चला सकते, इसलिए इसका आंसर होता है कैन नॉट डिफाइंड। कैन नॉट डिफाइंड मतलब आप डिफाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको आगे का स्टेप दिया है और पीछे का स्टेप पूछ लिया तो कभी भी आंसर आप इसका नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मशीन को हम रिवर्स में नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी प्रश्न में इनपुट स्टेप्स और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये दिया रहेगा, मशीन का इनपुट भी दिया रहेगा आपके प्रश्न में, आपको सामने रहेगा, उसके सारे स्टेप भी सामने लिखे रहेंगे और उसके क्वेश्चन भी सामने लिखे रहेंगे, तो आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं इस थ्योरी के बाद क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने टाइप के प्रश्न इनपुट और आउटपुट में बन सकते हैं हम सारे टाइप डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आता है डाउनलोड कर लीजिए या फिर एक बार देखिए, इस पे कमांड होना चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन बच के जाने ना पाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक इनपुट आउटपुट का पहला क्वेश्चन हम हल करने स्टार्ट करने चल रहे हैं। निर्देशांक, इसका निर्देशांक है, ये हमने आपको बताया था कि दो शिफ्टिंग में होगा, तो ये दोस्तों हमारा है वन शिफ्टिंग, ये हमारा वन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ये हमारा वन शिफ्टिंग का, कहने का मतलब केवल अल्फाबेट ही शिफ्ट हुआ है या अल्फाबेट लिया गया है इसलिए वन शिफ्टिंग, अगर सॉरी अंक लिया गया है इसलिए वन शिफ्टिंग, अल्फाबेट लिया सिर्फ अल्फाबेट लिया जाता तो वन शिफ्टिंग, और दोनों कंबाइंड कर दिए जाते तो टू शिफ्टिंग। तो देखिए वन शिफ्टिंग में क्या है, सबसे पहले निर्देश, एक मशीन है इनपुट उसको दिया गया, एक मशीन को इनपुट दिया गया 85, 16, 36, 04 या सिर्फ 4, 19, 97, 63, 09, ये हमने इनपुट इस मशीन में डाला। अब ये मशीन में इनपुट डाला तो इसने पहले स्टेप पे कन्वर्ट करके दिया 97, तो अब जरा देखो यहां से पहले से वो लास्ट में देखो तो लास्ट स्टेप ये है आउटपुट, ये हमारा इसका क्या है क्वेश्चन का आउटपुट है, ये क्या है, यह है दोस्तों आउटपुट, मशीन ने आउटपुट में क्या निकाला 97, 85, 63, 60, 66, 36, 19, 16, 09 और 04। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये अंक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब जो हमारा अंक है इसमें जो हमने अंक लिए हैं वो कहां पे चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अब आइए देखिए सबसे पहले इन्होंने इसमें क्या शिफ्ट किया है, तो ये 97 पहले स्टेप पे लाए, कहने का मतलब पहली शिफ्टिंग हमने किसके साथ की 97। तो देखिए दोस्तों 97 यहां आ गया, तो जितनी चीजें हैं ये पूरी इधर शिफ्ट हो गई, ये पूरी यहां से ये इधर आया तो ये इधर, कहते ना इधर पूरा शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद ये दूसरे नंबर पे 80 को हमने शिफ्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी अपने जगह पे आ गया। अब हमने फिर शिफ्ट किया किसको, 63 को, देखिए दूसरे नंबर पे क्या है 63, तो दूसरे पे हमने 63 क्या किया, 63 जब यहां आया 80 के बाद तो ये जो पूरी संख्या है ये पूरी कहां हो गई, इधर शिफ्ट हो गई। अब यहां पर फिर हमने तीसरे नंबर पे क्या किया, देखिए 36, फिर हमने तीसरे नंबर पे क्या किया 36 किया, तो देखिए 36 इधर आया और ये पूरी संख्या उधर शिफ्ट हो गई, देखिए नया लास्ट में ही चल रहा है। अब हमने जो चौथे स्टेप पे किया वो 19 किया, क्योंकि 19 यहां था तो 19 चौथे नंबर पे हमने क्या किया 19 किया, तो देखिए 19 इधर आया और ये संख्या पूरी क्या हो गई, उधर शिफ्ट हो गई। अब यहां पर फिर हमने लास्ट में 19 के बाद किया, 16 अपने आप हो गया 9 किया, और 9 हमारा कहां पर है, यहां पर है, यानी कि 5 में हमने क्या किया 9, तो देखिए 5 में 9 हो गया। अब 5 स्टेप पे जाकर के हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो गया, क्लियर। तो दोस्तों इसका जो अंतिम चरण है वो कितना है, 5 है, इस क्वेश्चन का अंतिम चरण क्या हो गया, 5 हो गया, इस क्वेश्चन का अंतिम चरण 5 हो गया और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट लेकर के आगे आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा,
कि सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करके अब क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पे, देखिए दोस्तों अब इसी का कॉन्सेप्ट लेके हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर वन बताते हैं। यदि इनपुट 16, 9, 25, 27, 6 और 5 हो तो कौन सा चरण इस प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा। तो दोस्तों हम आइए इसको इसको कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहां पे। तो हमने यहां पर इनपुट क्या है 16, 9, 25, 27 और ये हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर वन पे। तो देखिए स्टेप नंबर वन पे जब चलेंगे तो हमने पता है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो इसको पहले हम सॉर्ट आउट, सबसे बड़ा मान कौन सा है 27, तो इसको हमने क्या कर दिया 1। तो दोस्तों 27 ये पहले नंबर पे आएगा और जितनी वैल्यू बची ये पूरी शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर कितना आएगा 16, फिर कितना रहेगा 9, फिर कितना रहेगा 25, फिर कितना 27 आ चुका है, कितना 6 और यहां पर कितना 5। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे फिर 27 से जस्ट छोटा कौन सा है, या 27 के बाद जो बची संख्या कौन सा बड़ा है 25। तो ये दूसरे नंबर की शिफ्टिंग 25 की होगी। तो दोस्तों यहां पर हमने चले तो क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। तो देखिए ये 27 को अपने जगह पर रहेगा क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, और 25 जस्ट इसके बाद आएगा। तो यहां पर कितना हो गया 25। अब जितनी संख्या यहां से 25 हटा तो जो संख्या इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां क्या बचा 16, यहां क्या बचा 9, यहां क्या बचा 6, यहां क्या बचा 5। तो देखिए दोस्तों यहां पर 27, 25, 16, 9, 6, 5 अब क्या है इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो गड़बड़ हो, सभी हमारा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि जो हमारा मशीन का यही हमारा क्या हो गया आउटपुट हो गया। देखिए सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गई। तो दोस्तों हमने क्या किया ध्यान से देखिए, ये वाली संख्या पहले यहां लाई तो ये पूरा इधर खिसक गया। अब इसके बाद हमने जो ये संख्या थी वो संख्या देखिए हम यहां लाए तो ये पूरा इधर खिसक गया, क्लियर शिफ्ट हो गया और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस प्रक्रिया में अंतिम चरण कौन सा होगा सेकंड, सेकंड चरण पर ही हमारा क्या हो जाएगा मशीन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सेकंड चरण ही इस प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों पूरा टाइप देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर बीच में आप ड्रॉप करते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं कि यदि इनपुट 9, 25, 16, 30, 32, 19, 70 और 6 हो तो इस प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होगा। तो अंतिम चरण देखिए हम आपको यहीं से बता सकते हैं, लेकिन आपको आगे इसी को लेकर के हम 3 क्वेश्चन और देंगे तो इसको हम पूरा कर देते हैं। तो देखिए पहली शिफ्टिंग क्या होगी, पहली शिफ्टिंग हमारी क्या होगी 32, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगी दूसरे नंबर पे 30, फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है 3, फिर इस नंबर पे क्या है 4, फिर इसके बाद क्या है 5, फिर ये यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा 6, और 9 इधर आएगा 6 अपने आप हो जाएगा। दोस्तों इसका अंतिम चरण कौन सा होगा 6वां अंतिम चरण होगा। तो आइए देख लीजिए, देखिए दोस्तों अगर ये मशीन को हमने इनपुट दिया 9, 25, 16, 30, 32, 19, 70, 17 और 6 अगर ये हमने दिया तो इस नियम से चलना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हमने स्टेप वाइज लिख दिया, यानी कि अंतिम चरण कौन सा होगा ये होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आउटपुट चरण हो गया, यही हमारा 6 आउटपुट चरण हो गया। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनपुट 9, 25, 16, 30, 32, 19, 17, 6 के चौथे चरण में बाएं से पांचवी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों पहले चौथे चरण में इसको हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, तो जब चौथा चरण इसका देखें तो दोस्तों चौथा चरण इसका कौन सा है, हमने ऊपर इंसर्ट कर दिया है ऑलरेडी, इसका चौथा चरण ये है। तो क्या है चौथे चरण में बाएं से पांचवी संख्या क्या होगी। तो बाया दोस्तों क्या होता है ये हमारा राइट है ये लेफ्ट है, तो बाएं से पांचवी, तो यहां पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो ये संख्या क्या होगी 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9 हो गया, कितनी है 9 संख्या है। अब दोस्तों फिर एक क्वेश्चन और इसी में पूछ लेगा कि ऊपर दिए गए इनपुट के, जैसे ये ऊपर दिया गया इनपुट है ये,
ऊपर दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में, अंतिम चरण दोस्तों हमने निकाल दिया है कौन सा है, छेमा, अंतिम चरण में 32 और 9 के बीच में कितने तत्व हैं, 32 और 9 के बीच में। तो देखिए अंतिम चरण 6 है इसका और 9 और इसके बीच में अंतिम चरण में पूछा है कि बीच में कितने तत्व हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में कितने तत्व हैं, 5 तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। अगर अंक पूछ ले कितने अंक हैं, तो दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक हैं। अगर अंक पूछ ले कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे, 10 अंक आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 1-16 का था। अब इसी तरीके से अल्फाबेट में भी होगा कि सिर्फ अल्फाबेट दिया होगा, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या तो शिफ्टिंग ऑर्डर होगा, कोई भी तरीका हो सकता है, वो आपको ये निर्देश देखकर ही पता चल जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा तो जो दूसरा इनपुट कराएगा उसको इसी बेस पर हमको इनपुट करना होगा और आंसर बताने होंगे। तो दोस्तों ये 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, पूछ लेगा इनपुट ये है तो चौथा चरण कौन सा होगा, चौथा ये है, इस इनपुट का तीसरा चरण कौन सा है, तो इसका ये तीसरा चरण है। अब दोस्तों देखते हैं 2-16 का एक क्वेश्चन, आइए देख लीजिए, आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा 2-16 का है, इसे बोलेंगे हम 2-16। 2-16 का मतलब जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों यूज हुए हों। तो देखिए दोस्तों कैसे निर्देशांक दिया है और मशीन को हमने ये इनपुट डाला, मशीन को दिया 13 एक्साइट कोर्स, 26 35 रन नॉन, 41 23 और गोल्स, ये हमने दिया है मशीन को। अब मशीन ने इसको सेट करके इसका अंतिम चरण क्या दे दिया, 5वां इसका अंतिम चरण बना दिया। तो दोस्तों देखिए ये बार बार लिखने से अच्छा था कि हमने यहां पर इसको क्या मान लिया, ई मान लिया, एक साइड मतलब ई रखा हूं और यहां पर कोर मतलब सी पुट किया हूं, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, और यहां पर रन मतलब आर, जहां रन था वहां पर हमने आर पुट किया है, और जहां पर नॉन था वहां पर हमने एन पुट किया है, और जहां पर गोल था वहां पर हमने जी पुट किया है। तो देख लीजिए अभी आसान हो जाएगा क्योंकि पूरा वैल्यू लिखना संभव नहीं है। तो अब हमने ये चीज पुट कर दी और देखिए इसमें क्या हमें दिख रहा है, नीचे वाला स्टेप देखिए, यहां से इनपुट देखिए और नीचे वाला आउटपुट देखिए। तो इनपुट और आउटपुट हम देखेंगे तो यहां पर हमने कुछ संख्याएं डाली और यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, देखिए संख्याओं को ये इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जो हमारे अंक हैं अंक को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और इधर देखिए, इधर से अगर इधर की तरफ हम चलें तो ये इधर को इंक्रीज हो रहा है, या अल्फाबेट हम देखें इधर को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर अंक के बाद यहां पे अल्फाबेट हम देखें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि अल्फाबेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, क्लियर। अगर इधर से इधर चलेंगे तो इंक्रीज, इधर चलेंगे तो इंक्रीज, लेकिन इधर से चलेंगे इधर तो ये डिक्रीज, अल्फाबेट डिक्रीज और ये इंक्रीज, क्लियर, ये हमें पता चल गया। अब दोस्तों यही सेम चीज यहां से हमने सीख लिया कि इस क्वेश्चन में क्या चलना है, कि नंबर को इंक्रीज करना है और अल्फाबेट को डिक्रीज करना है। तो आइए अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और जो क्वेश्चन आपको बताना होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों अब इसको हमको कोई दे दिया इनपुट, मान लेते हैं इनपुट दिया 5 राम 18 डॉग 12 कैट 19 मैंगो, ये हमको दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि इस प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होगा, तो दोस्तों देखिए एक तो आप सीधे कर सकते हैं कि अल्फाबेट को हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग करना है और नंबर को इंक्रीज करना है। तो बताइए सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, कैट आएगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हमारा डॉग आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा, क्लियर, और चौथे नंबर पे हमारा ये आएगा। तो हमने ये देख लिया कि शिफ्टिंग हमको कितने में, अंतिम चरण कौन सा होगा, चौथा चरण। आइए इसको भी देख लें कि पहले नंबर पे हम इसको ले जाएंगे, उधर जाएगा पहला नंबर हो जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, ये जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर कौन सा जाएगा,
तीसरा ये हो जाएगा और फिर चौथा ये हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा हो गया? चौथा चरण। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण चौथा चरण होगा। आइए दोस्तों एक हम और देख लेते हैं जिसको कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए आइए दोस्तों अब इस पे एक हम 260 पे क्वेश्चन करते हैं। एक हमको क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है कि इनपुट हमने दिया रूफ फ्लोवर 32 42 ईच 72 थिन माइंस 11 16 ड्रॉप्स एंड 54। अब कह रहा है कि इसको मशीन में जब डाला जाए तो ये क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका तीसरा चरण किसका, ये जो हमने डाला है इनपुट में इसका तीसरा चरण क्या होगा। फिर इसका पूछ लेता है इसका अंतिम चरण क्या होगा, या पूछ लेगा इसके चौथे चरण में दाएं से तीसरा तत्व तो क्या होगा, या चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पांचवें चरण में माइंस और 42 के बीच में कितने तत्व होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हमें लास्ट तक आउटपुट निकालना होगा और इसका आउटपुट हम किससे निकालेंगे, जो हमने अभी आपको ये समझाया था कि क्या लेना है, अल्फाबेट को डिक्रीजिंग में लेना है, अल्फाबेट को डिक्रीजिंग में लेना है और नंबर को इंक्रीजिंग में लेना है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर रूफ लिखा है, इसको हमने कैपिटल आर कर दिया क्योंकि पूरा लिखना ठीक नहीं है, लेंथी हो जाएगा। तो आर को रूफ लिख दिया, फ्लोवर को एफ लिख दिया, ईच का पहला वर्ड मतलब हमने इसका पहला वर्ड लिख लिया, ईच का पहला वर्ड ई, थिन का टी, माइन का एम, डी का ड्रॉप, क्लियर डी का ड्रॉप लिख दिया। अब आइए देखिए पहला स्टेप में हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या इंसर्ट होगा, हमको क्या लाना है, पहला ए बी सी डी, पहला ये होगा डी क्योंकि पहले नंबर पे क्या होता है डी। अब इसके बाद दूसरे पे ए बी सी डी ई, दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ए बी सी डी ई एफ, तीसरे नंबर पे एफ जी एच आई जे के एल एम ये कब आएगा, चौथे नंबर पे एल एम एन ओ पी क्यू आर ये हमारा पांचवें नंबर पे और ये हमारा छठवें नंबर पे। तो दोस्तों अगर हमको सीधे पूछा जाता कि इस प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होगा, तो देखिए अंतिम चरण बी वाले क्वेश्चन में पूछा गया इसका अंतिम चरण क्या होगा, 6 होगा, इसका अंतिम चरण कौन सा होगा, छठवां चरण ही इसका अंतिम चरण होगा। लेकिन और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तीसरा पांचवा, तो उसके लिए हमको इसको इंसर्ट करना होगा जिससे आप चारों क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। देखिए अब सबसे पहले हमने डी इस साइड लाए तो ये पूरा शिफ्टिंग हो गया और यहां से सबसे छोटा क्या था, पहले नंबर पे 1 को शिफ्ट किए, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, पहले नंबर पे 11 होगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों 16 होगा, फिर तीसरे नंबर पे 32 होगा, चौथे नंबर पे ये होगा और पांचवें नंबर पे ये होगा और छठवें नंबर पे ये होगा। अब देखिए जो हमने ये शिफ्टिंग की है, पहले नंबर पे डी लाए तो ये शिफ्ट हो गया और पहले नंबर पे देखिए जो सबसे छोटा था फर्स्ट कहां है, डी, डी को पहले नंबर पे लाए, देखिए पहला यहां लाए और वन में पहला कहां लाए, अंत में लाए, क्लियर। अब देखिए फिर दूसरे वाले स्टेप पे हमारा दो यहां था तो दूसरे नंबर पे हम क्या है, दो लाए, फिर इसको यहां पर क्या लाए, दूसरे नंबर पे देखिए 16 यहां पर लाए अंत में, तो यहां पर दूसरे नंबर पे 16 लाए, तो यहां पर कितना लाए, दूसरे नंबर पे लाए। अब देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे एफ है तो तीसरे पे लाए, चौथे पे लाए, इसको पांचवें पे लाए और इसको छह पे लाए और ये सब शिफ्ट होता गया और यहां पर देखिए इसको वन नंबर पे लाए तो इसको तीसरे पे, इसको चौथे पे, इसको पांचवें पे और इसको छठवें पे। तो देखिए लास्ट में इंसर्ट करने के बाद सारी वैल्यू हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई और अल्फाबेट में देखेंगे तो सब वैल्यू डिक्रीजिंग में आ गई। अगर इस साइड से राइट से लेफ्ट चलेंगे तो अल्फाबेट डिक्रीज हो रहा है और नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये 6 स्टेप हमने लिख दिए यहां से। अब हमको कह रहा है तीसरा चरण क्या होगा, तो दोस्तों तीसरा चरण इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, इसका तीसरा चरण हो गया एफ ई डी आर समथिंग होगा। अब दोस्तों इसका भी आंसर आ चुका है, तीसरे चरण आपका ये वाला दिया गया है क्वेश्चन में, ये इसका आंसर होगा। दूसरे का आंसर अंतिम चरण, छठवां अंतिम चरण, इसका आंसर आ चुका है। अब देखेंगे चौथे चरण में दाएं से
तीसरा तत्व क्या होगा? तो दोस्तों चौथा चरण ये है, चौथे चरण में दाएं से, तो इधर हम राइट लेते हैं, इधर से लेफ्ट लेते हैं, तो दाएं से चौथा चरण, एक दो तीन चार, इसका आंसर कितना हो जाएगा? चौथा चरण क्या होगा? ग्यारह। तो चौथा चरण हमारा इसका क्या आ गया? ग्यारह आ गया। अब दोस्तों लास्ट देखते हैं डी, कह रहा है पांचवें चरण में माइंस और 42 के बीच में कितने तत्व होंगे? तो अब देखिए पांचवा चरण कहां पर है? यहां पर है। तो दोस्तों माइंस मीन हमने क्या माना था? यम, तो ये एम ले लिया, और 42 42 हमने कहां पर? यहां ले लिया। अब इसके बीच में देखो कितने तत्व हैं, तो क्या है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया पांचवे वाले का? आठ तत्व इसमें है। दोस्तों अब ये टाइप हमने आपको दोनों समझा दिए कंप्लीटली, अब कभी भी ये फिक्स नहीं हो सकता, ये हमें देखकर ही पता करना होगा कि शिफ्टिंग किस हिसाब से हुई है। ये आपको वहां पर दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि ये किस हिसाब से हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शिफ्टिंग इंटरचेंजिंग, ये आपको यहां से पकड़ना है, इनपुट को देखना है और आउटपुट को देखना है, आपको जरूर पकड़ में आ जाएगा। और ये पांच टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, चार से पांच टाइप के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है कोई क्वेश्चन तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों जितना ज्यादा मुझे लाइक करेंगे, बस मुझे कमेंट्स करेंगे, यही मुझे आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना ज्यादा मुझे लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे उतने ही ज्यादा और उतने ही मुझे एनर्जी मिलेगी नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद।